तो आज के इस वीडियो का टॉपिक आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे और ये बहुत ही ना गंभीर समस्या सी बन चुकी है कि ट्वेल्थ की मार्कशीट के आगे नॉट एप्लीकेबल क्यों शो हो रहा है, जबकि हमने ट्वेल्थ की मार्कशीट अपलोड कर दी है उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये कोई एरर है या फिर हमने मार्कशीट लगाई थी वो नहीं लगी है, वो हट गई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो अगर आपका डाउट यही है ना तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पर NCWEB की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर करते हैं। तो वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, बात करेंगे सीधा यहाँ पर टॉपिक के ऊपर। तो ये जो डाउट है ना, इसका मुझे कमेंट भी आया था तो मैंने रिप्लाई भी किया है और एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन क्या है ना, मैंने रिप्लाई किया है उनको बट फिर भी उसके बाद भी काफ़ी बच्चों के सेम कमेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि डाउट्स आपका बहुत बड़ा है और ये डाउट्स काफ़ी सारे बच्चों को है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि सभी बच्चों तक ये सोल्यूशन पहुँच सके और उनके डाउट्स क्लियर हो सके। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर है क्लास 12th बोर्ड मार्कशीट के आगे लिखा है नॉट एप्लीकेबल। तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल क्यों आ रहा है। हम चलते हैं यहाँ पर एकेडमिक वाले सेशन के अंदर। आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको याद भी होगा कि एकेडमिक सेशन क्या था। तो ये हमारा एकेडमिक डिटेल्स का सेक्शन जहाँ पे हमने सारे मार्क्स फिल किए थे और यहाँ पे हमने 12th की मार्कशीट अपलोड की थी। तो बच्चे भूल गए हैं कि 12th की मार्कशीट कहाँ अपलोड की है। देखिए आपने 12th की मार्कशीट अपलोड की है एकेडमिक सेशन के अंदर, ठीक है, कहाँ की है, एकेडमिक सेशन के अंदर। और देखिए ये रही आपकी 12th की मार्कशीट, देखिए लिखा है अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12th बोर्ड मार्कशीट। तो मार्कशीट अपलोड की हमने यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स के अंदर और 12th की मार्कशीट हम चेक कर रहे हैं प्रीव्यू के अंदर। और कहाँ चेक कर रहे हैं, अपलोड के सेक्शन के अंदर। ये कौन सा सेक्शन है, ये अपलोड का सेक्शन जहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। तो ये आपका अपलोड्स का सेक्शन, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं सारे, जैसे कि फोटो, सिग्नेचर और आपकी 10th की मार्कशीट। लेकिन यहाँ पर आपने 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं की है। याद कीजिए जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने 12th की मार्कशीट आपके अपलोड के सेशन के अंदर अपलोड नहीं की थी, ये आपकी पहले से यहाँ पर लगी पड़ी थी, यानी कि पहले से ही अपलोड हो रखी थी क्योंकि हमने ये पहले ही एकेडमिक के सेशन के अंदर अपलोड कर दी थी। इसलिए अपलोड के सेशन के अंदर आपने फोटो, सिग्नेचर, आपकी 10th की मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड आपने लगाया होगा, लेकिन अपलोड के सेशन में आपने 12th की मार्कशीट लगाई ही नहीं है। लगाई थी कहाँ पे, लगाई थी एकेडमिक के अंदर। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपने कहाँ लगाई है, आपने अपलोड की है एकेडमिक के सेशन के अंदर। हम चेक कहाँ कर रहे हैं, अपलोड के सेशन के अंदर। कैसे, यह है आपका प्रीव्यू पेज और यहाँ पर कहाँ चेक कर रहे हैं हम, अपलोड के सेशन के अंदर। जब आपने 12th की मार्कशीट अपलोड्स के अंदर अपलोड ही नहीं की है तो यहाँ पर नॉर्मली नॉट एप्लीकेबल ही आएगा। हमने अपलोड के अंदर फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंस प्रूफ लगाया था तो वहां पे सब पे व्यू का ऑप्शन शो हो रहा है, देख लीजिए। लेकिन हमने 12th की मार्कशीट वहां पे लगाई नहीं थी इसलिए यहां पर आपको नॉट एप्लीकेबल शो हो रहा है, ठीक है, सिंपल चीज थी। तो इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए कि यहां पे नॉट एप्लीकेबल क्यों शो हो रहा है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, यहां पर नॉट एप्लीकेबल शो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेशन के अंदर 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं की है, हमने अपलोड की थी एकेडमिक सेशन के अंदर। और प्रीव्यू के अंदर हम चेक कर रहे हैं अपलोड के सेशन के अंदर तो यहां पर तो नॉट एप्लीकेबल आएगा, ठीक है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और इसको लेकर ना बहुत ज्यादा टेंशन मत बनाइए, आप बेफिक्र रहिए। आपने 12th की मार्कशीट लगा दी है, अपलोड कर दी थी आपने, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, इसको रहने दीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको इसके अलावा कोई और डाउट है कि बेस्ट 4 की परसेंटेज कैसे निकाले या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे, तो मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई ना काफी लॉन्ग वीडियो है, वो लंबी वीडियो है जो कि 16, 17, 18 मिनट की होगी। वीडियो लंबी इसलिए है क्योंकि मैंने वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है जो कि कोई नहीं करता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपके जो डाउट है ना इस टॉपिक को लेकर, 12th की मार्कशीट नॉट एप्लीकेबल को लेकर, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और डाउट क्लियर हो गए होंगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना उनके साथ जो आपकी फ्रेंड्स हैं जिनके डाउट्स अभी भी सेम हैं, तो उनको वीडियो शेयर करना ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो जाएं। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि NCF के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।